सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी। ये संपूर्ण पेपर 5 यूनिट में यानी कि 5 भागों में बांटा गया है और संपूर्ण पेपर के अंतर्गत भारतीय समाज से संबंधित जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनके अध्ययन पर जोर दिया गया है। जो पहला यूनिट है यूनिट ए, उसके अंदर है सोशल प्रॉब्लम यानी कि सामाजिक समस्या, उसकी अवधारणा एवं कार्य। उसमें है हम क्या क्या पढ़ेंगे संरचनात्मक में, गरीबी, बेरोजगारी, इनके कंसेप्ट यानी कि अवधारणा, कॉजेस और उपाय। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक हमारे समाज की मूल समस्याओं में से आती है कि हम किस प्रकार से गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट जो कि आपस में दोनों जुड़ी हुई हैं, इनका अध्ययन हम कैसे करेंगे, इनके कारणों को हम कैसे ढूंढेंगे और इनको दूर करने के लिए हमें कौन कौन से उपाय देखने होंगे। जैसा कि जानते हैं हम कि सोशल प्रॉब्लम सामाजिक समस्या, सामाजिक समस्या को समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या दोनों अलग अलग हैं। व्यक्तिगत समस्या एक व्यक्ति की अपनी निजी पर्सनल समस्या है जिससे वो स्वयं प्रभावित होता है और उसकी परेशानी उसे स्वयं को झेलनी पड़ती है। लेकिन सामाजिक समस्या जो है वो एक ऐसी समस्या है एक जिसके कारण न केवल व्यक्ति बल्कि संपूर्ण समाज उससे प्रभावित होता है। यदि हमारी रोजमर्रा के जीवन में कोई रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, हमें काम करने में दिक्कत होती है, हमारे समाज को नुकसान होता है, तब हम उसको सामाजिक समस्या के अंतर्गत लेते हैं। आज हम सब जानते हैं कि देश जो है विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है और इन्हीं समस्याओं के लिए हम सब समाज के सदस्य प्रयासरत रहते हैं और उनकी कोशिश करते हैं कि उन समस्याओं का निदान किया जाए। प्रश्न उठता है कि आखिर सामाजिक समस्याओं के उत्पन्न होने की क्या कारण हो सकते हैं? क्या हम ऐसे कारणों को देखें जिन्हें हम उसके लिए जिम्मेदार कारक के रूप में ले सकते हैं? तो हमें ये देखना जरूरी है कि अशिक्षा और अंधविश्वास जो है ये अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। यदि भी हम सिलेबस को एक एक करके अलग से देखेंगे लेकिन जनरल जो बात है वो ये है कि अशिक्षा है, अंधविश्वास है, धर्म के प्रति आस्था है, व्यक्ति का आलस्य है, व्यक्ति की निष्क्रियता है, उसका अहम है, जो कि अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है। अशिक्षा इसमें एक मूल कारण मानी जाती है और अंधविश्वास, चाहे ये अंधविश्वास मृत्यु भोज को लेकर हो, चाहे बाल विवाह को लेकर हो, लेकिन ये अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देते हैं। हम जब अपने आप को शिक्षित होने का दावा करते हैं लेकिन हम अपनी मानसिक जो स्तर है उसको नहीं बढ़ाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं लाते हैं, तो हमें सामाजिक समस्याओं को देखना पड़ता है और ये सामाजिक समस्याएं हमारे संपूर्ण समाज की व्यवस्था को बिगाड़ती हैं, हमारे समाज की प्रगति को रोकती हैं और उसमें व्यवधान पैदा करती हैं। जहां तक गरीबी और बेरोजगारी का सवाल है, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन गरीबी के अनेकों कारण हो सकते हैं। ये बात निश्चित है कि जब कम पैसा है, जब आप अपनी न्यूनतम जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो आप निश्चित रूप से गरीब हैं, है ना? लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? कभी कभी प्राकृतिक संकट आ जाते हैं, कभी कभी हमारा कोई शारीरिक कमी हो जाती है, कभी कोई मानसिक कमी हो जाती है, कभी परिवार में किसी की कमाने वाले की या जिम्मेदारियां उठाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तब भी ये सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो इन समस्याओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है कि जिसको हम कहें कि ये उत्तरदायी कारण माना जाता है। अनेक कारण हैं, लेकिन हर कारण एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट है यानी कि बेरोजगारी। बेरोजगारी को यदि भी हम ये कह सकते हैं एक साफ शब्दों में कि जिस
जिसके पास काम नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है, लेकिन इसका समाजशास्त्री जो है गहन अर्थ निकालते हैं, केवल इतना ही काफी नहीं है कि किसी के पास काम नहीं है, बल्कि योग्यता रखती है।